प्रेज द लॉर्ड, प्रभुंकर महापवित्र नामर गौरव हो। मु प्रभुंकु धन्यवाद दिए। प्रभु अनुग्रह करी आउ गोटे नुआ प्रसंग को नहीं आपण मानक निकटरे आसीबा पाए, ताहांको वाक्य जरिया रे आपण मानक सहित कथाबार्ता हेबा पाए प्रभु पुनर्बार एही सुंदर अवकाश मते देथिबारु मु स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दउछि। एवं आजर एही नुआ प्रसंग नुआ वीडियो रे आंभ मानक उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र बहुमूल्य नाम रे आपण समस्तंकु पुनर्बार मु स्वागत करुछि। ख्रीष्टरे प्रियर भाई ओ भौणी माने, आजि आमे पुणि थरे आउ गोटिए नुआ प्रसंग रे प्रभुंक वाक्य ध्यान करिबा पई जिबा। आजि आमे जे प्रसंग रे कथाबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक हला प्रथम आदम पाप कले किंतु द्वितीय आदम काहिंकि पाप कले नाही। प्रथम आदम पाप कले किंतु द्वितीय आदम काहिंकि पाप कले नाही। एही प्रसंग रे आमे प्रभुंक वाक्य ठारु अल्प समय ध्यान करिबा। प्रिय भाई बणी माने, आमे जेपरी पाप विषय रे अधिक जानिबु, पाप उपरे जय पाइबु, आउ आमे प्रतिदिन पवित्र जीवन जापन करू करू ताहांकर आगमन निमन्ते प्रस्तुत हेबु, एहा स्वर्गर परमेश्वर चाहन्ति। आजि आमे एही पाप विषय रे कथाबार्ता हेबा जे जणे व्यक्ति पाप रे पडिबार संभावना रहिछि, आउ जणे व्यक्ति पाप रे काहिंकि पड़ी जाए एवं पाप उपरे कोण कले आमे जय पाई परिबा। आजिर एही प्रसंग रे एही शिक्षा मध्य परमेश्वर आमानकु देबा पाई चाहन्ति। प्रिय भाई भणी माने, द्वितीय आदम कहिले कोण, द्वितीय आदम कहाकु कुहा जाए, एही प्रकार आम अनेकंक मन मध्य रे प्रश्न आसी पारे। मु विश्वास करे जे माने आमर यूट्यूब चैनल रे आमर वीडियो गुडी को आपण माने देखुचंती, आपण माने वाक्य रे परिपक्व लोक माने अटंती, आपण माने मेच्योर भाई भाई माने अटंती, एहा मु निश्चित भाव रे विश्वास करे। तथापि जदि आमन को मध्य रे केहि आमे अज्ञ अछु जानि नाहु जे द्वितीय आदम कहिले किए, एहा जदि आमन को मन मध्य रे संदेह आसी पारे, सेति पई मु आपण मानकु प्रभु को वाक्य रे कहिबा पई चाहे जे आमे बाइबल रे द्वितीय आदम कहा को कहू। मो सहित आपण माने प्रथम करंतीय 15 अध्याय को आसीबे। प्रथम करंतीय 15 अध्याय मु आपण मानक निमन्ते 45 पद रु 47 पद पर्यंत केवल मु पढ़ी देबी, जो द्वारा आमे स्पष्ट हेबा जे द्वितीय आदम किए अटंति। लेखा जाय, एही परि मध्य लेखा अछि, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी हेले, शेष आदम जीवनदायक आत्मा हेले। मात्र जहा आत्मिक ताहा प्रथम नुहे, किंतु जहा प्राकृतिक ताहा प्रथम, परे आत्मिक। 47 पद, प्रथम मनुष्य पार्थिव मृत्तिकारे निर्मित, द्वितीय मनुष्य स्वर्गरु आगत। शेष आदम बा द्वितीय मनुष्य जहांकु साधु पाउल बा आम्भे माने बुझु जे प्रभुंक वाक्य द्वारा से हेउचंती आम्भ मानकर उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बाइबल द्वितीय आदम बोली कहे। आज आम कथबार्ता हेबा जे प्रथम आदम पाप कले किंतु द्वितीय आदम काहिंकि पाप कले नाही। आज प्रसंग रे आम ध्यान करिबा। प्रथम विषय हला जे प्रथम आदम काहिंकि पाप कले, काहिंकि पाप कले। आपण जानंती निश्चित भाव रे आम समस्ते जानु, किंतु मु आपण मान को अवगत करैबा पई चाहे जे आदम होबा से माने काहिंकि पाप रे पड़ी गले, काहिंकि परमेश्वर को आज्ञा को लंघन कले। वाक्य आमन को स्पष्ट भाव रे कहे, जदि आपण माने द्वितीय करंतीय को आसीबे, द्वितीय करंतीय 11 अध्याय 3 पद रे साधु पाउल ओय प्रकार लेखंती, लेखा जाय, किंतु सर्प आपणा धूर्तता रे होबांकु जेपरि भुलैला, सेही परि काले तुम्ह मान को मन ख्रीष्टंक प्रति सरलता ओ पवित्रतारु भ्रष्ट हुए, मोहर एही भय हेउछि। प्रिय भाई भणी माने, हबा ओ आदम से माने काहिंकि पाप करुछंती। प्रथम विषय जे भ्रांत हे गले से माने, शैतान से मानक मध्यरे आसी प्रभुंक वाक्य प्रति जे संदेह आनिला। लेखा जाउछि सर्प आपणा धृत्ततारे होबाकु भुलैला, अर्थात भ्रांत करी देला
ଆଦମ ଆଉ ହବା ସୈତାନର କଥାରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ନୂତନ ନିୟମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନକୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ନ ପଢ଼ି ଆମେ ଯଦି କାହାର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଅନ୍ୟ କାହାର ଲିଖିତ ବୁକ୍ ବା ବହିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବୁ, ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ହବା ଓ ଆଦମ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପାପ କଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସୈତାନ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନେ ସାଧନ କଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପୂରଣ କଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କାହିଁକି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। କାହିଁକି ଲଙ୍ଘନ କଲେ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ଚାହିଁଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିପାରିବେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଇଚ୍ଛା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ବୋଲି କହୁ, ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟତାର ଆବରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସବୁ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟର ଦାସ ହେବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେ ତଳା ଖାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ସେ କାହିଁକି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4:34 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ସାଧନ କରିବେ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଦେଲେ, ନିଜର ଗର୍ଭକୁ ମାରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଏହା ଆମେ କହିପାରୁ, ହଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହେ, ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ସେ 100% ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କେମିତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ କହିପାରିବା? କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି କ୍ଷୁଦିତ ହେଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ,
आंभ मानक परी तांक देहरे रक्त थिला मांस थिला एति पाई से मनुष्य थिले मात्र आंभ परी मनुष्य हेले मध्य से पाप कले नाही कले नाही वाक्य कहे तांक ठारे पापर लेस मध्य नथिला प्रिय भाई बहन पापर लेस प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखरे नथिला आउ एहार मूल कारण आज मु आपण मानको कहिबा पई चाहे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट काही की पाप कले नाही जदि आपण माने एबरी पुस्तक 4 अध्याय को आसिबे एबरी पुस्तक 4 अध्याय 15 पद मु आपण मानको निमन्ते पढिबा पई चाहे एठारे प्रकार लेखा जाय कारण जे आंभ मानको दुर्बलता रे आंभ मानको प्रति सहानुभूति देखाइबा को असमर्थ आंभ मानको रे परि महाराजक नाहंती बरम से पापर हित होई आंभ मानक परि सर्वत्त भावे परीक्षित हेले मु प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ रे रहिबा समय रे आबे माने जे प्रकार परीक्षार सम्मुखीन होउछु धन लोभ शारीरिक अभिलाष जागतिक चिंता बेबिचार आमानकर ई सब विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य ठीक सही परि से परीक्षित हेले मात्र कोनसी पाप कले नै लेखा जाय पापर हित होई से सर्वत्त भावे परीक्षित हेले मात्र से परीक्षा रे पडिले नाही से पाप कले नाही तार एकमात्र कारण मु आपण मानको कहिबा पाए चाहे काहे कि आपण जानंती कि 16 पद रे लेखा जाय अतेर आस कृपा प्राप्ति निमन्ते पुणि उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमन्ते आंभे माने साहसरे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाऊ मु प्रभु को धन्यवाद दे सब बेले से निजर इच्छा रे पाप ऊपर जय पाइबा पई से इच्छा प्रकाश करू नथिले निज बुद्धि रे निज ज्ञान रे से कोनसी कार्य करी नथिले से अनुग्रह रो सिंहासन निकट को जीवा सिखिथिले जे समय रे से प्रलोभित हेबा समय रे पाप रे से एई प्रकार तांकर मन लागिबा समय रे परीक्षित हेबा समय रे से पितांक ठारो अनुग्रह को से लडुथिले आ से कहुथिले पिता मु पारु नाही मते सहाय्य कर मते तुमर अनुग्रह दरकार सेई समय रे पिता तांको अनुग्रह दान करुथिले प्रिय भाई भणी माने जे माने आज जदी आमे भाबुछु मु पाप रे हारि जाइछि मु पाप रे पडि गलि आज मध्य से अनुग्रह रो सिंहासन मानक पई परमेश्वर रखिछन्ते आमे से अनुग्रह रो सिंहासन निकट को जाई परबा आ कोई परबा प्रभु तुमर अनुग्रह रे मते धरि रख प्रिय भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट एति पाई से पाप कले नै कारण से अनुग्रह रो सिंहासन निकट को जीवा सिखिथिले प्रभु को निकट रे प्रार्थना करी शक्ति पाई से एही पार्थिव जगत रे पाप ऊपर से विजय जीवन यापन करथिले साधु पाउल रोमियो मण्डली को से लेखंती जे तुम्हे माने तुम्हो मानक उपरे पाप कर्तृत्व करिबो नै कारण तुम्हे माने व्यवस्थार अधीन नुह तुम्हे माने अनुग्रहर अधीन अट जदि आपण माने रोमियो 6:14 पढिबे लेखा जाय जे तुम्हे माने अनुग्रहर अधीन अट प्रिय भाई भणी माने मसांक द्वारा व्यवस्था आसिला मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा अनुग्रह आसिला और सत्यता आसिला सेही अनुग्रह परमेश्वर आमानकु देइछंती अनुग्रह बिना ताहांकर सहाय्य बिना निज बुद्धि रे निज बल रे आमे पाप उपरे जय पाई परिबा नै आ अनुग्रह परमेश्वर केउ मानकु दियंती आपण जानंती कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु से परमेश्वर अनुग्रह काहे कि देले प्रिय भाई बणी माने आमु पैटा जानिबार आवश्यक रहिछ आ अनुग्रह बिना आमे पाप उपरे जय पाई परिबा नै प्रभु जीशु ख्रीष्ट से अनुग्रह पाइले काहे कि अनुग्रह पाइले मु आपण मानन को निमन्ते जाकुब पुस्तक जाकुबंक पत्र 4 अध्याय 6 पद पढिबा पई चाहे लेखा जाय किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करंती एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मानकु प्रतिरोध करी प्रतिरोध करंती किंतु नम्र लोक मानकु अनुग्रह दान करंती केउ मानकु से अनुग्रह दान करंती समस्तंकु से अनुग्रह दियंती नै समस्तंकु पाप उपरे जय पाइबार अनुग्रह शत्रु को प्रेम करिबार अनुग्रह पवित्रता जीवन जापन करिया पय अनुग्रह से समस्तंकु दान करंती नै
क्यों दान करती जो माने नम्र हूँ जो माने निजकु शून्य मन करती प्रभु सम्मुख में सब बेले आत्मारे दिनहीन एक प्रकार जीवन जापन करती परमेश्वर से अनुग्रह दान करती प्रभु जीशु ख्रीष्ट से अनुग्रह से पाँच कारण से नम्र अटंती नम्र अटंती प्रिय भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट संपूर्ण भाव से नम्र अटंती आउ से पिता से अनुग्रह को से पाँच आप से विजय जीवन जापन करी आपण मैंने फिलिपिय पुस्तक दि अध्याय को आसबे दि अध्याय पांच पदर जब आम तौक को पढ़ा आठ पद पर्यंत लिखा जाए ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुम्ह मानकर सेहिपरी मन हेउ से ईश्वर रूपी हेले हें ईश्वर सहित समान हो रहा निज निमंते धरी रखिबार विषय मन कले नाही किंतु मनुष्य सदृश हो दास रूप धारण करी आपणा को शून्य कले पुणी मनुष्य भाव देखा जाए मृत्यु पर्यंत हाँ कृष्य मृत्यु पर्यंत आज्ञावह हो आपणा को अवनत कले प्रभु नाम गौरव हो परमेश्वर ताकू अनुग्रह कहीं देले निजर पुत्र बोली ना निजर एकमात्र पुओ बोली ना प्रिय भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट नम्र थिले से मनुष्य हेले मध्य से पार्थिव शरीर धारण करी से ईश्वर हेले मध्य से मनुष्य भाव आम मान बास कले दास रूप धारण कले लेखा जाउछि से निजकु शून्य कले आउ शून्य करिवारु नम्र हेबारु परमेश्वर आज तांकु उच्च नाम नामित कले जेउ नाम आम मानकर परित्राण अछि जेउ नाम आमानकर शांति अछि प्रिय भाई भणी माने जेउ नाम आम पाई स्वर्ग रखा जाइछि मु प्रभु को धन्यवाद दिए जदि आमे पाप उपरे जय पाइबा पई इच्छा करू आमे जदि ए पाप अभिलाष उपरे आमे विजय जीवन जापन करिया पई इच्छा करू आमे प्रथम विषय नम्र हेबार आवश्यक रहिछि जदि आमे नम्र हेबा नत हेबा प्रभु को निकट को जीवा प्रभु मु पारु नै प्रभु मु ए पाप जगत रे मु पवित्र जीवन जापन करि पारु नै मु जहाँ देखुची ताहा मु को अभिलाष रे देखुची जहाँ मु चिंतुची से भावना गुड़ी को तुम दृष्टि रे पसंद रो विषय नुहे तुम संतोष रो विषय नुहे पिता तुम्हें सहाय्य कर से सहाय्य करिवे से सहाय्य करिवे प्रिय भाई भणी माने आम निजक नम्र कर प्रभु निकट को जदि जीवा से आम को कौन करिवे अनुग्रह देवे जो अनुग्रह द्वारा आम पाप उपरे जय पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कहीं पाप कले ना कारण से नम्र थिले आउ पिता निकटरे से अनुग्रह से सब बेले पिता से चाहूले आमे मध्ये निजक नम्र करिबा ताहांकर अनुग्रह अधीन रहिबा जद्वारा आमे पाप उपरे जय पाइपरिबा प्रभु ये वाक्य दे आम प्रत्येक प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु।